दावत दूंगा चेयरमैन साहब को, वो सामने तशरीफ लाए चेयरमैन साहब को। और फिर वाइस चेयरमैन जनाब शमाम गिल साहब को, प्रेसिडेंट केपे की अनोश भट्टी साहब तशरीफ लाएंगे। प्रेसिडेंट वुमेन मिसेस सदफ नाम से दरखास्त करूंगा कि वो भी अपने निश्चित पर आए ताकि हम अपने प्रोग्राम को खुदा कादर। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे यीशु, खुदा पाक रूह, हम तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तू ही सजदे और तजीम के लायक है। खुदा उन खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हम सबको बाफाजत यहाँ पर लेकर आया है। और खुदा हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं सब भाइयों को, चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन साहब को और सबको खुदा हम तेरे हुजूर पेश करता हूँ। खुदा उन आज जो हम अपने लीडर शहबाज भट्टी जो शहीद हुए अपनी कौम की खातर, उनका जो एक दिन मना रहे हैं खुदावंद, अय खुदा तू हम सब में ये हिम्मत ताकत और कुव्वत पैदा कर ताकि हम अपनी कौम को अच्छे तरीके से संभालने वाले बने। खुदावंद तू खुदावंद हमें जानता है, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालात को खुदावंद, खुदा अय खुदा तू हमारी कौम की हिफाजत करने वाला तू हमारा खुदा है, हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद खुदा बाप इस प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी मदद और रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। साहब प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी और मोहतरमा सदफ और मेरे तमाम दिल के करीब, मेरे तमाम साथी, आप तमाम मेरे लिए इंतहाई काबिल मोहब्बत हैं, इंतहाई काबिल दाद हैं और मेरे दिल के करीब हैं। आज की ये दिन हमने, मेरी जाती तौर पर ख्वाहिश थी कि मैं अपने तहरीकी साथियों को आज के दिन हम यहाँ पे आए और ना सिर्फ शहीद शहबाज भट्टी को, जिन्हें 2 मार्च 2011 को इस्लामाबाद में शहीद किया गया, ना सिर्फ उनको खराज तहसीन पेश करें और जो अजम हमने 2 मार्च 2018 को, यानी जब हमने खुशपुर से माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान की बुनियाद रखी, ना सिर्फ उस दिन को याद करें बल्कि आज आपको बुलाने का मकसद ये था कि हम अगर वाकई समझते हैं कुछ, अगर आज के दिन या शहीद शहबाज भट्टी की शहादत पे या उनकी कायदाना सलाहियत पे अगर हमें यकीन है तो हम आज यहाँ से तजदीद अहद करके जाएं कि हमने इस तहरीक को आगे बढ़ाना है, हमने शहीद शहबाज भट्टी की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देना, हमने पाकिस्तान की मजलूम और महकूम अकलियतों जिनके साथ मजहबी तौर पर इस्तेसाल होता है, जिनका सियासी और मुआशी इस्तेसाल होता है, हमने किस तरह उनको बचाना है, हमने किस तरह अपनी बहनों की इज्जतों को बचाना है, हमने किस तरह अपने मासूम बच्चों की मजहब को बचाना है, हमने किस तरह खोई हुई रूह को बचाना है, हमने जिनको जबरदस्ती मजहब तब्दील करवा के उनको इस्तेमाल करके शादियों में लाके छोड़ दिया जाता है, हमने उन पामाल रूहों को किस तरह वापस लेके आना है, आज यहाँ पे आपको बुलाने का यही मकसद था। नो डाउट मोर और लेस आप तमाम लोग अपनी अपनी सतह पे ये काम करते हैं, लेकिन जब तक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होती, जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होके हाथों में हाथ डाल के एक जंजीर की तरह खड़े नहीं होते तो उसका कोई फायदा नहीं। जो रस्सी होती है या आयनी, जिसको हम पंजाबी में संगल कहते हैं, आयनी जंजीर, अगर उसकी आपस में वो अटैचमेंट ना हो, वो फंसे हुए ना हो एक दूसरे के साथ, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो हमें आज ये सोचना है कि क्या हम शौक के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या हम इस तहरीक में सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए हैं या हमने वाकई सिंसियरली अपने लोगों के लिए खिदमत करनी है। अभी हम सुबह खुशपुर में गए, कायदे तहरीक साहब की हमने इबादत आज उनके लिए रखी थी, वहां पे शामिल हुए और वहां पे हम उनकी कब्र पे हमने चादर भी उनकी फूलों की बिछाई। वहां पे हमारे जो पैरिश प्रीस्ट थे, 2-3 चीजें उन्होंने, जब वो लेक्चर कर रहे थे तो 2 चीजें उन्होंने शहबाज भट्टी के बारे में कही कि उन्होंने खुद अपना इनकार किया था, जो मसीहत में खुद इनकारी हमारा फलसफा है कि उन्होंने खुद के और अपनी स्लीव आप उठा के चलना और लोगों के लिए। आज हर बंदे ने अपनी स्लीव अपने कंधों पर रखी हुई है, मुझे कार चाहिए, मुझे कोठी चाहिए, मुझे 20 चर्च चाहिए, मेरी कलीसिया 1000 में होनी चाहिए, मुझे MLA बनना चाहिए, मुझे MPA बनना चाहिए, मेरी बीवी के पास ये असासे होने चाहिए, मेरे बेटे के पास ये असासे होने चाहिए,
मुझे मेरे पास अमेरिका का वीजा होना चाहिए, मेरे पास यूके का पासपोर्ट, इसके यही स्लीपे है हमारे गले। कोई करता है खुद इनकार ही, मसीह का नाम लेते हैं, खुद को तो इनकार ही नहीं कर रहे, अपने लिए कुछ ना लेना, ये शहबाज भट्टी का सेवा था। जब 1985 में शहबाज भट्टी ने बुनियाद रखी तो यही वजूहत थी। 1985 में जियाउल हक का दौर था, आईन में इस्लामाइजेशन आ रही थी, 295 सी बनाया गया, आर्टिकल 227 से आगे शामिल किए गए, औरतों की गवाही खत्म की गई, जुदा करना इलेक्शन इंट्रोड्यूस करवाए गए और बहुत सारे इम्तियाजी कवानीन है हमारे यहाँ पे, और वफाकी शरी अदालत बनाई गई, इस्लामी नजरियाती काउंसिल बनाई गई। ये वो दौर था इस्लामाइजेशन का, जब हमारा स्पेशल लॉ जो क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, उसको बदला गया और चोर दरवाजा रखा गया कि हम कन्वर्शन कर सके। तो इस दौर में शहबाज भट्टी साहब जब स्टूडेंट लीडर थे तो उन्होंने कहा कि हम अपनी कौम की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया, शादी भी नहीं की उन्होंने, यहां तक वो अपनी कास्ट से कमिटेड भी। उन्होंने कई दफा आज फादर जी भी बता रहे थे, बहुत सारे लोग और गवाह हैं कि जब उन्हें लोग कहते थे, हम खुद भी कहते थे, क्योंकि उनकी वालदा हमें कहती थी, मुझे और शमान को, कि आप अपने चाचू से कहें कि शादी कर ले, तो बड़ा पक्का उनका लान था कि नहीं, मैं खुद, मुझे तो कल को कोई पता नहीं शहीद कर दिया जाए तो मैं किसी की जिंदगी क्यों खराब करूं। ये कमिटमेंट है शबाब का, हम लोग को अपनी पेट से बाहर अक्सरियत को नजर ही नहीं आता। तो जब ये यीशु मिशन नहीं है, यीशु मिशन अपने आप से हट के, खुदा ने यीशु मसीह ने अपनी सारी लाइफ, आज उनको उनके नजरियात की वजह से पहचाना जाता है। आज नेल्सन मंडेला को मुसीबतों की वजह से, जो 25 साल उन्होंने 27 साल जेल काटी उसकी वजह से जाना जाता है। आज शहबाज भट्टी को उसकी कार की बदौलत, प्राडो की बदौलत, उसकी लैंड के मुतलक, उसके बैंक बैलेंस की वजह से नहीं जाना जाता, आज शहबाज भट्टी को उनकी शहादत की वजह से जाना जाता है। मिनिस्टर तो जय साल एक बहुत बड़ा रहा है, मिस्टर पीटर जॉन सोत्रा का बहुत बड़ा रहा है, मिनिस्टर तो कैमरन माइकल को, कौन उनसे मोहब्बत करता है। ये सेक्रीफाइस देना यही बुनियाद है, और हमारे मजहब की भी यही बुनियाद है, अपनी जान कुर्बान कर देना स्लीव उठा के, और यही हमारी बका का नजरिया बनेगा। पाकिस्तान में अगर हमने बराबर यकसा हक लेने हैं तो हमें ये स्लीव उठा के खुद का इनकार करके कुछ लोगों को सेक्रीफाइस कर, और इनकलाब लाने के लिए बीसों हजारों लोगों की जरूरत नहीं, इतने ही काफी है। 12 लोगों के साथ खुदा यीशु मसीह ने, 12 शहीद हुआ 11 के साथ, और 11 साल में आज खुदा यीशु मसीह 2024 नजरिया जिंदा है, नहीं मर, उन लोगों की सेक्रीफाइस की वजह से। वो कमिटेड लोग, भेड़ बकरियां लाखों की तादाद में हों, हमें शेरों की तरह जीने की हमें जुरत की। मैं हैरान परेशान होता हूँ, हमारे लोग इतने खौफजदा हैं, क्योंकि आपने देखा मैं दिन रात हम लोगों के साथ जाते, लोग आज हमारे मुसीबतों में परेशान है, अपने इंसाफ के लिए नहीं लड़ते। इधर हमारा बंदा कत्ल होता है, आजकल तो उनको सहारा दे, अगले दिन जाके वो बरादरी हत्या सुबह कर लेते, इधर हमारी लड़कियां उठा के ले जाते, इधर हम जाके उनसे करते कि जनाब हमारी वापस कर दे, सुना कर, ये तरीका कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम वहां पे, हमारी कौम पिस चुकी है। मैंने देखा है हम ये मौजूदा इलेक्शन में, हम कोई पूछता ही नहीं क्या हमारी वैल्यू है। 3 सीटें हैं पीएमएल की, वो की उनके पीछे पीछे गवर्नमेंट हुकूमत बनाने के लिए फिर रही, उनकी मौलाना फजल रहमान की 6 सीटें हैं कौमी असेंबली, उनके पीछे हमारी 10 सीटें, हमें कौन पूछे। आज वजीर आजम का इलेक्शन हो रहा है, हम तो क्वालिफाई नहीं करते, अपने कागजात ही नहीं जमा करवा सकते। ये पाकिस्तान में इक्वालिटी, ये हम बराबर की शहरी। 9 मार्च को सदर पाकिस्तान के इलेक्शन, हम तो कागजात ही नहीं जमा करवा सकते, आईन हमें इजाजत ही नहीं देता, कहते यू आर सेकंड क्लास सिटीजन, तो सेकंड से भी नीचे, तो कौन सी इक्वालिटी, कौन से पाकिस्तान के नारे मार दो सर। और ये बुरी बात नहीं है सच बोलना, जैसे कि चेयरमैन अकबर भट्टी साहब ने सलाकत पहलू में रात और यार को गलत, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, वो तो कमाल करते हैं। मैं सिर्फ मुख्तसर आपकी शेयरिंग करूंगा, लेकिन जबकि शहीद हक शहबाज भट्टी क्रॉस के मीनिंग्स को जानते थे, तो मैं चाहूंगा कि मैं क्रॉस से बाहर एक लफ्ज भी ना करूँ, क्रॉस में रहकर मैं बात करूंगा, और मेरा ईमान है कि आप सब बचकर भी पाएंगे और माइनॉरिटी अलायंस MAF के साथ खड़े भी होंगे। लेकिन गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा, आपकी थोड़ी सी वक्त के लिए, 2-3 मिनट के लिए 2-3 बातें करना चाहूंगा, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। शहीद हक शहबाज भट्टी एक नजरिए का नाम है। अब तालियां भी बजी, मैं सोशल मीडिया देख रहा था, वहां शहबाज भट्टी की तस्वीर लगाकर, नीचे अपनी तस्वीर लगाकर, ये सारा टॉपिक ड्रामा भी मैं देख रहा था। इससे कुछ हासिल नहीं होगा।
1965 की जंग जो है अमेरिका ने हमारी बैठ कर यहाँ देखी सैटेलाइट पर, अब सोशल मीडिया का दौर है, बच्चा जानता है कि फलां शख्स क्या कर रहा है, फलां कर रहा है। हमें अब अकमल भट्टी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आपको। अकमल भट्टी चेयरमैन साहब का काम बोलता है, काफले किनके पीछे होते हैं, जो अकेला चलने का हौसला रखते हैं काफले उनके पीछे। हमें लोगों की कोई जरूरत नहीं है, लोग सबसे बड़ा रोग, लोग सबसे बड़ा रोग। हमें तादाद की जरूरत नहीं है, हमें क्वालिटी की जरूरत है। क्वालिटी वाले हो तो वो दो ही काफी है, क्वालिटी वाले दो ही जेल में थे, सलास और पलूस, पूरी सल्तनत हिलाकर रख दी थी उन्होंने, लोग तब्दील हुए थे। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये शहीद हक सोच का नाम है, सोच को डैमेज कैसे किया, माफी के साथ माजर के साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो तहरीकी साथी साथ थे, जैसा कि चेयरमैन अकमल भट्टी ने कहा, किसी को अमेरिका जाने की ख्वाहिश है, किसी को पैसे बटोरने की ख्वाहिश है, किसी को प्राडो लेने की जरूरत है, किसी को फला फला अपनी ख्वाहिशात को मद्देनजर रख के हम मैप का या इशमाल भट्टी का हिस्सा बने थे, लेकिन सबने नसीहत को दफन करने की कोशिश की। मिनोरिटीज राइट पाकिस्तान का छठा योम तसीस है, आज शहीद शहबाज भट्टी के 13वें योम शहादत पर मैं उन्हें और उनकी तमाम खिदमात को खराज तहसीन पेश करती हूँ। शहीद शहबाज भट्टी का जन्म खुशपुर के गांव में हुआ और लड़कपन ही से उनके अंदर जो है खुदा ने कौम के दर्द का जज्बा जो है वो भर रखा था। उसी जज्बे को लेते हुए उन्होंने 1985 में CLF की बुनियाद रखी और वो अपनी कौम के लिए उनके हकूक के लिए जदोजहद करते रहे। और उनकी जदोजहद का सबूत ये था कि उन्होंने हमारी कौम की बहनों बेटियों और माओं के लिए जो है वो माँ बहन बेटी सबकी सांझी एक तहरीक का आगाज किया था। और मेरे लिए और मेरी तमाम बहनों के लिए सबसे बड़ी फख्र की बात यह थी कि आखिर में जब शहीद शहबाज भट्टी का असैसीन हुआ, जब वो शहीद हुए तो उनकी वो जो कुर्बानी थी वो कौम की बेटी आसिया बीबी की खातिर हुई थी। तो उन्होंने कौम की बेटी आसिया बीबी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। इसके बाद मिनोरिटीज अलायंस पाकिस्तान का आगाज जब होता है तो शहीद शहबाज भट्टी के 7वें योम शहादत पर हम सब मिलकर जदोजहद करते रहे और देखते रहे कि हमारे कायद के मिशन को पूरा किया जाए। लेकिन जब तमाम साथियों ने ये देखा कि कायद का वो मिशन, उनकी कुर्बानी का वो मकसद, उनकी कुर्बानी जिस वजह से हुई थी, वो मिशन पूरा नहीं हो रहा। अब्दुल अजीज शख्सियत अकमल भट्टी साहब और उनके साथ स्टेज पर बैठी हुई तमाम बहुत शख्सियात को मैं सामिश करता हूँ। मैं एक छोटी सी ख्वाहिश का इजहार करना चाहता हूँ। हम सब एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए सब खड़े हों और हमारे कायदे तहरीक शहबाज भट्टी साहब की जो तस्वीर लगी हुई है, हम तस्वीर तो भट्टी साहब की लगी हुई है लेकिन उनके नजरिए को आज सलूट करें। तमाम लोग इनकी तरफ मुंह करके हम इन नजरिए को सलाम पेश करें। और मैं समझता हूँ भी ये हमेशा ख्वाहिश रही है कि यार थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखाएं। जो लोग अपनी कौम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ करने को दिल चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि हम जो पासवान हैं ये सिर्फ हम ये समझते हैं कि शायद बाइबल सुनाना, संडे स्कूल चलाना, यूथ को ऑर्गेनाइज करना, चर्चों की तमीर, डिफरेंट जो हमारे सारे रिलीजियस और मजहबी एक्टिविटीज हैं, शायद हमारा यही काम है। लेकिन मैं अगर चंद खादमीन भी मुझे नजर आ रहे तो मैं जरूर खादमों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मिस्र में जब मूसा को देखेंगे, सारी कौम जो है वो गुलामी हुई असीरी में है, लेकिन इस असीरी के दौर में जहां पर मूसा को अपने इसराइली भाई के ऊपर जुल्म होता हुआ नजर आता है तो उसने अपनी
कौम के उस इजरायली शख्स को उसकी सपोर्ट के लिए खड़े होने में मिस्री का कत्ल करने से भी बाज नहीं है। हालांकि उस वक्त उसके पास वो मिशन नहीं है जो खुदा ने दिया कि जाकर मेरी कौम को साथ करो, अभी वो मिशन नहीं है। लेकिन जहां पर कौम की बात है, जहां पर उसके खून की बात है, जहां पर उसके कौम के म्यार की बात है, गुलामी में रह के उसने कत्ल किया, ये गलत बात है, उसको वहां से भागना पड़ा जो मेरी सीधी। आज मैं सिर्फ अपनी बात इसलिए करना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हम खादमों को ही सिर्फ एक्टिव कर लें, सिर्फ खादमों को एक्टिव कर लें, तो मैं समझता हूँ पूरी कौम जो है कि मनोटी लाइन्स प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएगी। लेकिन ये सारा 100% तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारे जो है ये सियासी लोग नहीं हो सकते। पांच उंगलियों का अपना अपना अलग अलग एक मुकाम है, अंगूठा अंगूठा ही रहेगा। अगर मैं इसको चीटी बनाना चाहूँ तो कभी नहीं बना, लेकिन इससे मैं काम वो ले सकता हूँ जो मेरी ये छोटी फिंगर कर सकती। मैं सिर्फ आपकी त्वचा कोई दो बड़े वाकयात की तरफ दिलवाना चाहूंगा, जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि दुनिया में जो बड़ी तहरीकें हैं उनमें खून का शामिल होना बड़ा जरूरी होता है। तो मसीही कौम के लिए ये बड़े फख्र की बात है कि हमारे पास भी असासा मौजूद है जिन्होंने अपना खून बहाया। तो दुनिया में दो बड़ी अजीम जंगें हुई। पहली जंग अजीम का जो आगाज है एक शख्स के खून की वजह से हुआ था, वो असैसिनेट किया गया, उसकी वजह से पूरी दुनिया में वो इनिशिएशन हुई और पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसी तरह से और भी कई वाकयात में किसी कौम के किसी एक नुमाइंदे के कत्ल से या उसको शहीद करने से बड़े सारे वाकयात रूमा हुए। मसीही कौम में शहीद सुभाष भट्टी साहब की शहादत के बाद कौम को शदीद तौर पर कमी का एहसास हुआ किसी ऐसे लीडर का जो आए और सामने बात करे। मैं खुश नसीब हूं आप अच्छे और भले लोग हैं, हमारे साथ अकमल भट्टी साहब मौजूद हैं जो सुभाष भट्टी साहब के बाद ये बात करते हैं कि किसी अगर और का खून की जरूरत है तो वो मेरा खून। मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करता हूँ मिनोरिटी अलायंस पाकिस्तान का एक दफा फिर, और मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी सारी कामयाबियों के लिए जिन्होंने माजी में हासिल की हैं। और मुझे उम्मीदें वासक है कि मिनोरिटी अलायंस पाकिस्तान पाकिस्तान में मसीहियों की एक बाहर नुमाइंदा जमात होगी जो कि सारी मसीह कौम और सारी मिनोरिटीज की नुमाइंदा जमात बन जाएगी। कायदे तहरीक शहबाज भट्टी एक सोच, एक जज्बा, कुछ करने की ताकत और अपने वजूद का दुश्मनों को एहसास दिलाने की कुव्वत का नाम है। शहबाज भट्टी एक ऐसी सोच का नाम है जो मुआशरे के अंदर, जो कौम के अंदर एक तब्दीली को रूनमा करना चाहती है। शहबाज भट्टी और मिनोरिटी अलायंस पाकिस्तान आने वाले जो फ्यूचर के लीडर हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूट का नाम है। मिनोरिटी अलायंस पाकिस्तान और अकमल भट्टी साहब की शहबाज साहब के साथ जो कमिटमेंट है, इन्होंने हमेशा यूथ को इनकरेज करने की कोशिश की है। आज माएं अपने बच्चों को कहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर खादिम बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, लेकिन कोई माँ ये ख्वाहिश नहीं करती कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरी कौम का लीडर बनेगा। क्योंकि कलामुल्लाह भी इस बात की तालीम देता है कि अपने आप अपने लोगों में से सात नेकदाम शख्स चुन लो। तो आज जब कभी यूथ ने, जिस कौम की यूथ ने अपनी लीडरशिप का साथ नहीं दिया, जिस कौम की यूथ ने आगे बढ़ के लीडरशिप में हिस्सा नहीं लिया, उस कौम का हाल यही होता है कि हम जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि अपने सात नुमाइंदगान के नाम भी नहीं ले सकते। मैं आपसे यह बात करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी को बने हुए 6 साल हो चुके हैं, आज हम 6वीं सालगिरह मना रहे हैं मिनोरिटी अलायंस पाकिस्तान की। तो मैं चाहता हूं कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का आज इंतखाब हो रहा है, उसने 5 साल के लिए पाकिस्तान पर हुकूमत करनी है, उसके सामने 5 साल है जिन 5 सालों में उसने अपनी खिदमात को सरंजाम देना है, उसने कौम के लिए कुछ करना है, अपने आइंदा जो इंतखाबात है उनके लिए उन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत करना है।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज नॉर्थ अलायंस पाकिस्तान का एक एक मेंबर अपने आप से एक वादा कर ले, अपने आप से एक मुआहदा कर ले कि अगले जो 5 साल हैं इनमें हमने जिस तरह एक लावा है, लावा जमीन को पत्थर को पहाड़ों को फाड़ कर बाहर उभरता है, इसी तरह इस वक्त हमें जरूरत है कि हम मसीही, हम मिनोरिटी अलायंस पाकिस्तान के रुकन इस तरह लावे की तरह जमीन को फाड़ कर पाकिस्तान में उभरे और लोगों को पता चले और ये इस कौम को और पाकिस्तानियों को पता चले कि मुल्क में कोई कौम बसती है जिसकी पहचान मिनोरिटी अलायंस पाकिस्तान है, जिसका लीडर हकीकी और दरीना और एक नाडार लीडर है जिसका नाम अकमल भट्टी है और जो अपनी पहचान के लिए, अपनी खुदमुख्तारी के लिए, अपनी आजादी के लिए और अपनी कौम के हकूक के लिए बोलना जानता है और वो किसी का तलवे चाटने वाला नहीं है बल्कि अपने हक और अपनी जो बात है उसको मनवाने के लिए आएगा, वो ना किसी करप्शन के लिए आ रहा है ना ही किसी दूसरे अपने जाती मुफाद के लिए आ रहा है बल्कि मेरी कौम के लिए, बल्कि मसीही कौम के लिए आ रहा है, मसीही कौम को आजाद देखना चाहता है, उसकी पहचान देखना चाहता है, मेरे और आपके फ्यूचर को सुधारना चाहता है, उसका जाती कोई मुफाद नहीं है।